थे, जो भी हुआ वो गलत किया, 2 साल से नुहू में ये प्रोग्राम कर चल रहे थे आपस में जी। अगर हम करेंगे वहां पर जाएंगे, कोई वहां कोई राजधानी है कहीं की, या इसलिए करना कि वहां मुस्लिम जाते हैं और वहां पे झगड़े करवाने हैं। ये एक नया ट्रायल यहाँ पे इलेक्शन से पहले करवाना चाहते हैं जी। पढ़ाई पे लगाओ, हेल्थ क्या है उस पर लगाओ, लेकिन देश को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। तीनों जगहों पर असर होगा, चाहे वो पॉलिटिकल असर हो, चाहे वो खेती किसानी से जुड़ा, कोई असर नहीं होगा। हिंसा तो करवाई गई है जी, क्या असर होगा? कौन जान लगा, कोई इसमें मंत्री या इनके लोग थे जो बीजेपी के बड़े नेता है, इनके कोई लोग थे जो अगुवाई कर रहे हो इसकी? राम राम, नमस्कार। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्तानीता। राकेश टिकैत साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकैत साहब, मैं बात हिंसा को लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, और साथ ही मेरा सवाल ये भी रहेगा कि जैसे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाट समाज से अपील की है कि वो उन्हें सहयोग दे, वो उनके पक्ष में खड़े हों, तो इस मार्फत आपका क्या सोचना है? एक बड़ी साजिश देश में रची जा रही है जातियों को एक दूसरे के खिलाफ करने की जी। बजरंग दल वो कुछ नहीं कर रहा, ये सब आरएसएस के कम से कम 20 शाखाएं हैं जी। जिसकी आस्था जहाँ हो वो उन शाखाओं में उन बच्चों को एडजस्ट कर देते हैं जी। और क्या उनको कहना है, पूरा नागपुर तय करता है भाई। अब ये कह दे कि एक समाज को भाई आप हमारे साथ आ जाओ, ये साथ आएंगे तो कह लगे लड़ाई भिड़ाई ये कर लेंगे, ये बदनाम होंगे जैसे मुझे फनगर में रुड़करा बदनाम करे जी। ये नहीं आएंगे, कह लगे भाई देखो हम तो कहा नहीं, ये हिंदू के साथ नहीं आए। मतलब एक समाज को पूरे बिरादरी से अलग करने की एक बड़ी साजिश बीजेपी की है, इसमें इन बच्चों को नहीं फंसना चाहिए। कोई जाट को फौज है, कोई लड़ाई भिड़ाई ये करती फिर ये, और वहां पे भी तो जाट है, वहां पे मुड़े जाट हैं, वे भी तो जाटी हैं, वे कोई अलग आगे, और फिर हम इस उसकी कोई बात, जो भी हुआ वो गलत हुआ। 2 साल से नुहू में ये प्रोग्राम कर चल रहे थे आपस में जी। अगर हम करेंगे वहां पर जाएंगे, कोई वहां कोई राजधानी है कहीं की, या इसलिए करना कि वहां मुस्लिम जाते हैं और वहां पे झगड़े करवाने हैं। ये एक नया ट्रायल यहाँ पे इलेक्शन से पहले करवाना चाहते हैं जी। हमने सबसे अपील करी, हमारे जो संगठन के लोग हैं, खास करके हम संगठन चलाते हैं, हमारे सब लोग वहां पे लगे हुए हैं कि आपस में हिंसक घटनाएं वहां पे ना हो। जो भी मीटिंग सार्वजनिक मीटिंग हुई दोनों पक्षों की, उसमें हमारे लोग दोनों तरफ हैं जो अपने संगठन के लोग हैं, और जब हिंसा हो रही थी उस टाइम पे भी वो पुलिस प्रशासन के साथ में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन को जो सरकार चाहती है उसी पैटर्न पे काम करता है। पुलिस को तो आगे करा जाता है कि ये नहीं रोक रहे, वे नहीं रोक रहे, पुलिस तो रोक दे, अगर थानेदार को पूरी पावर दे दे देखे दंगा हो जाए भाई। कावड़ यात्रा निकलती है हरिद्वार से लेकर पूरा चलती है, कोई दंगा होता है, कोई करता है भाई? वही लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनकी जिम्मेदारी रहती है, उनके पूरे क्षेत्र में को निकलेगी, वे जाते हैं, लंगर भी लगाते हैं, सेवा भी करते हैं, उनकी जिम्मेदारी रहती है कि अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको है, इनको निकालनी है। जब तक आपस में भाईचारा नहीं होगा, अगर सरकार राजा या बाप भी पिता भी एक पुत्र का साथ देगा, एक के नाम जमीन कर देगा पूरी, तो भाई दूसरे का तो कत्ल होगा, झगड़े होंगे। फिर आप करके देख लो, गांव में एक बालक के नाम जमीन रहे को ऐसे छोड़ दो, झगड़े नहीं होंगे उनके। जब तक सरकार लिबरल नहीं होगी, आप दे दो कि उनके क्षेत्र से अगर निकल रही है तो जिम्मेदारी उन्हीं को दे दो ना, आपके क्षेत्र से हमारी यात्रा निकलेगी, जिम्मेदारी आपकी है, वॉलंटियर आपके रहेंगे, देखे झगड़ा हो जाए। जब उनके जल्लूस निकले हैं तो आप बताओ हिंदू के क्षेत्र में कि ये रास्ता यहाँ को जाएगा, जिम्मेदारी हिंदू की, अगर कोई भी हो गया तो सरकार एक्शन तुम्हारे ऊपर लेगी, देखो हो जाए झगड़े। लेकिन जब राजा खुद ही चाह रहा है कि झगड़े हो तो कौन बचा सकता है फिर जी। और अगर मैं बात को देखें तो जैसे गांव देहात के लोग हैं, चाहे वो रिटायर्ड फौजी हों, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि आजादी के बाद इस तरह के दंगे, इस तरह की हिंसा मेवात में बहुत कम हुई। मेवात में तो हुई नहीं कभी भी,
ना ये ट्राल राज चलेगा। भाई सरकार चाहती है कि यहाँ पे अशांति रहे पूरे उसमें। जब सरकार चाह रही, सरकार की पॉलिसी है 24 घंटे टीवी चैनल पे एक ही बहस चलेगी, जी उनको सत्ता चाह रही, कुर्सी चाह रही, देश बर्बाद हो कुछ ही हो उनको सत्ता चाहती है। हम काबिल हैं पूरी बहस उसी। जी हम तो देखते हैं कि जो टीवी पर जाते हैं, भाई टीवी पर जाना बंद कर दो, आप नहीं जाओगे बहस किससे करेंगे। न्यूसेंस करते हैं उनके साथ में टीवी पे, वो देखते हैं कि देखो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। भाई पढ़ाई पर लगाओ ना, आप बालकों को जी पढ़ाई पर लगाओ, हेल्थ क्या है उस पर लगाओ। लेकिन देश को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इंटरनेशनल स्तर पे हमारे देश की छवि खराब हो रही है। जी जैसे नू हो गया, हम माने कि यहाँ हरियाणा सटा हुआ है, उधर से राजस्थान सटा हुआ है, और पश्चिम में यूपी की जो किसान बेल्ट है वो भी इस एरिया से सटी हुई है, या फिर ये कहें इस एरिया के काफी नजदीक है। तो जो हिंसाएं हुई हैं, क्या इनका आप मानते हैं कि तीनों जगहों पर असर होगा, चाहे वो पॉलिटिकल असर हो, चाहे वो कोई खेती असर नहीं किसानी से होगा, जुड़ा। कोई असर नहीं होगा। हिंसा तो करवाई गई है, क्या जी असर होगा कौन जान लगा। कोई इसमें मंत्री या इनके लोग थे जो बीजेपी के बड़े नेता है, इनके कोई लोग थे जो अगुवाई कर रहे हो इसकी। हमारे गांव के बच्चे जिनको बहका के ये काम करवाया गया है, वे थे सब लोग इसमें। क्या किसी मंत्री का लड़का किसी आरएसएस का या उसका वो इस दंगे की अगुवाई करता है जुलूस की, हमको बता दो भाई कोई करता हो तो। लेकिन हमारे गांव के बच्चे जरूर इन्होंने बहका रखे, वे जरूर इसकी अगुवाई करते हैं। गाय के नाम पे कर रहे थे, गाय तो इन्होंने जितने भी सरकार के लोग हैं इन्होंने गौशाला अपने नाम करवा रखी, उसका जितना फंडा खा रहे हैं। गाय तो मरने लग रही है सड़क के ऊपर, जी किसान भी बर्बाद हो रहा और ये गाय भी बर्बाद हो रही तो हम ये इसके माने नाम कि ये पे। जो जी ठीक है सब, ये माने कि जो ये धार्मिक मसले फिलहाल चले हुए हैं, चाहे ये गो की बात सरकार करें, की गंगा की पॉलिसी बात में करें, वोट कैसे मिलेगी, जी तो इसे ये भी वोट माने कि कैसे देहात की जो मिलेगी। खेप है वो भी जो है एक तरह से देहात या फिर देहातीपन जो है, चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो पश्चिम यूपी का हो, तो उसे भी खत्म करने की ये साजिश है या ये बिल्कुल कोशिश साजिश है, है। देश के इतिहास को खत्म करना चाहते हैं, आपस का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। ये तो भाई भाई को लड़ा रहे हैं, ये जातियों को लड़ा रहे हैं आपस में, जी ये गोत को आपस में लड़ा रहे हैं, खाप पंचायतों को आपस में लड़ाने का काम करेंगे, किसान संगठन को तोड़ने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इनका काम तोड़ फोड़ का, देश में नफरत फैले, आपस में एक दूसरे से लोग विरोध करें, ये जी चाहते हैं। इनको इसी में जी वोट मिलती है, उसी पे ये काम करते हैं।